तो मून पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करी जा सकती है इस फॉर्मूला से, जहां पर R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर और M है मोलर मास, और R की वैल्यू हमेशा 8.3145 जूल पर केल्विन होती है। और मान लीजिए आपको बहुत सारे पार्टिकल्स का मास निकालना है, तब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए होता है, पर हम इतनी अंदरूनी विज्ञान में नहीं जाएंगे। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि ये एवरेज वेलोसिटी है उन सारे पार्टिकल्स की। अब फिलहाल इसको साइड में हटाते हैं, अब जरा इसे देखिए। यह फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, जहां जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम है मास ऑफ द बॉडी और आर है रेडियस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। अब गौर कीजिए इन वैल्यूज पर। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल्स 11.19 किलोमीटर और एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इक्वल्स 2.38 किलोमीटर। अब जरा ये सोचिए, जब पार्टिकल्स की रूट मीन स्क्वायर स्पीड अर्थ और मून पर सेम हो और एस्केप वेलोसिटी अर्थ और मून की अलग, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि पार्टिकल्स अर्थ और मून पर एक जैसे बिहेव करे। पर क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटी एस्केप वेलोसिटी को बढ़ा देती है, जिससे पार्टिकल्स का अर्थ के सर्फस से निकाल पाना असंभव हो जाता है, पर वहीं मून की एस्केप वेलोसिटी इतनी कम है कि पार्टिकल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मून के एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है। तो यही रीजन होता है कि मून के पास अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, और अगर आप उसको एक एटमॉस्फेयर गिफ्ट भी कर दो, वो उस गिफ्ट को रख ही नहीं पाएगा। और इसी एक्सप्लेनेशन को हम ये कह देते हैं कि सिंपली मून के पास ग्रेविटी कम है। पर ये था इसके पीछे का राज। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं, तो उस सब्सक्राइब वाले लाल बटन को क्लिक कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।